फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह के 6 बजे से और बारे आज बुधवार, तो ये मेरा बुधवार का ब्लॉग है। और सुबह के काम निपटाने के बाद में लग गई थी मैं बच्चों के टिफ़िन की तैयारी में। और सब्ज़ी तो मैंने बना ली है फ्रेंड्स, और आज सब्ज़ी में मैंने बनाई है भिंडी की सब्ज़ी। और सब्ज़ी बनाने के बाद में फिर मैं आटा गूँधने लगी थी, और आटा मैं ना बाहर बैठ के गूँध रही थी क्योंकि किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना फ्रेंड्स कि किचन में तो खड़े होने का भी मन नहीं कर रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और 3-4 दिन से तो है ना उमस वाली गर्मी बनी हुई है, तो किचन में काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। पर क्या करें फ्रेंड्स, मन हो या ना हो, पर ये घर की जो जिम्मेदारियां होती है हम लेडीजों पे, तो हमें करनी ही पड़ती है। तो क्या करें फ्रेंड्स, गर्मी हो या सर्दी हो, तो ये सारे काम तो हमें रोज़ करने ही पड़ते हैं। अब ये काम नहीं करेंगे तो फिर क्या करें, बच्चे भी स्कूल नहीं जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मैंने आटा गूंदने के बाद में आ गई थी किचन में और यहाँ पे बना लूँगी फटाफट से मैं रोटियाँ। तो सबसे पहले मैंने गाय की रोटी निकाल दी है और अब यहाँ पे मैं बच्चों का टिफ़िन भी पैक कर दूँगी। तो आज मैं बच्चों के टिफ़िन में है ना रोटी सब्ज़ी बनाई थी फ्रेंड्स, क्योंकि गर्मी में कुछ बनाने का भी मन नहीं करता है। तो यहाँ पर जैसे तैसे मैंने यहाँ बच्चों का टिफ़िन पैक कर दिया है बना करके, और यहाँ बच्चों के लिए मैंने ब्रेकफास्ट भी तैयार कर दिया है। तो बच्चे पूरी तरह से रेडी हो गए थे, तो यहाँ मैंने बच्चों को हॉर्लिक्स वाला दूध भी दे दिया है। और फिर उसके बाद में बच्चों का ब्रेक फास्ट होने के बाद में मैंने अनुषा की चोटी बनाई, और चोटी बनाने के बाद में है ना बच्चों की बहन आ गई थी, तो बच्चे भी चले गए हैं और मैं आ गई थी बालकनी में बच्चों को देखने के लिए। और फिर मैं बाहर का व्यू दिखाने लगी थी आप लोगों को, क्योंकि आज मैं सुबह का मौसम आप लोगों को दिखाई नहीं थी क्योंकि आज का व्लॉग मैंने थोड़ा सा लेट शुरू किया था। और आज मेरे गले में कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा है फ्रेंड्स, देखिए आवाज़ से ही पता लग रहा होगा कि वॉइस रिकॉर्ड भी नहीं हो पा रहा है मेरे से, काफ़ी दिक्कत हो रही है मुझे गले में। और फिर बच्चों को जाने के बाद में और फिर मैं बाहर का व्यू दिखा के फिर मैं आ गई थी सीधा अंदर, और अभी तक मैंने सुबह से चाय तक नहीं पी है फ्रेंड्स। चाय मेरी बन के रख दी थी मैंने काफ़ी देर पहले ही, तो अभी बच्चों को जाने के बाद में यहाँ चाय भी मैंने गर्म कर ली है और गर्म करके ले आई हूँ बाहर। तो यहाँ दरवाजे में बैठ के सबसे पहले तो मैं चाय पीऊँगी, और बाहर से इतनी ताज़ी ताज़ी हवा मिल रही थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ आराम से बैठ के चाय भी मैंने पी ली है फ्रेंड्स, और चाय पीने के बाद में अब लग जाऊँगी मैं घर के कामों में। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं किचन की क्लीनिंग से ही शुरू करूँगी, और अभी देखिए काफ़ी सारे बर्तन भी हो गए हैं, तो यहाँ सारे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ मैं पहले तो, और उसके बाद में किचन को क्लीन करूँगी और फिर उसके बाद में लगा लूँगी मैं पोछा वगैरह। तो यहाँ पे है ना काफ़ी काम तो मेरे सुबह ही हो जाते हैं बच्चों के रहते ही, तो इसी वजह से मैं ना कई बार वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने सारे बर्तनों पर साबुन लगा दी अच्छे से, और अब मैं इनको पानी से धो लूँगी, और डायरेक्ट पानी भी आ गया है फ्रेंड्स, डायरेक्ट पानी आ जाता है इस टाइम पे, तो मैं फटाफट से सारे मेरे काम कर लेती हूँ। तो यहाँ बर्तन धोने के बाद में फिर मैं किचन को क्लीन करूँगी, गैस चूल्हा साफ़ करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह ना किचन सबसे ज़्यादा फैल जाता है, और हम हाउसवाइफ को तो क्या है ना फ्रेंड्स, उठते के साथ में ही हमारे काम शुरू हो जाते हैं और कब काम ख़त्म होते हैं पता ही नहीं लगता है, कोई टाइम नहीं है हमारा और सारा दिन बीत जाता है ये घर के काम करते करते। तो यहाँ गैस की क्लीनिंग वगैरह भी कर दी है मैंने, और मिलती हूँ नहाने के बाद आप लोगों से। गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में, और अभी टाइम हो गया फ्रेंड्स सुबह के 10:30 बज गए हैं, और अभी घर के काम से भी फ्री हो गई हूँ, मेरा नहाना धोना भी हो गया, पूजा भी कर ली है मैंने, और आ गई हूँ मैं किचन में। और काफी देर के बाद में वीडियो शूट कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि काफी देर से मैं रूम में एसी चला के बैठी हुई थी, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना फ्रेंड्स, कोई काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो मन की चलो काम तो करना ही है, खाना बनाने का भी टाइम हो रहा है, तो मैं आ गई हूँ सीधा किचन में और अभी खाना बनाऊंगी। और कल का जो मेरा राशन का सामान लाया हुआ है ना, वो भी अभी ऐसे कैसे रखा हुआ है फ्रेंड्स, गर्मी में कुछ काम ही करने का मन नहीं कर रहा है। ये देखिए सारा सामान यहाँ देखिए सेंटर टेबल पे रखा हुआ है, और अभी मैंने सारी पन्नियाँ भी नहीं खोली है, सारा पैकिंग ऐसे कैसे रखा हुआ है। तो मैं सबसे पहले खाना वाना बना लेती हूँ, खाना खाने के बाद में ये सारा सामान रखूँगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना फ्रेंड्स, हालत ख़राब हो रही है गर्मी के मारे, और बारिश तो है ही नहीं। ये देखिए कितनी तेज से धूप हो रखी है, देखिए धूप इतनी ज़्यादा हो रखी है। और देखिए सारे कपड़े भी मैंने सुखा दिए यहाँ पे, और पेड़ पौधों में भी पानी वगैरह डाल दिया है, और गर्मी में ना हालत ख़राब हो रही है फ्रेंड्स, किचन में सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। जरा सा भी कुछ काम करो ना पूरे पसीने में भीग जाते हैं। आज तो मैंने बस गाउन ही पहना हुआ है, आज मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना फ्रेंड्स, तो क्या करें। चलिए खाना बना लेती हूँ, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिएगा। और अभी अपना जो भी ग्रोसरीज का सामान लेके आई वो दिखाऊंगी कि मैं महीने भर में हमारा कितना सारा सामान आता है।
ठीक है, तो अभी खाना वाना खा लेते, खाना खाने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक बने रहिएगा मेरी YouTube फैमिली। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, शाम के 6:28 हो गए हैं और आप लोगों से मिल रही हूँ इवनिंग टाइम में, और दोपहर का खाना खाने के बाद में मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, और अभी आ गई हूँ मैं सीधा किचन में, और अभी मेरी शाम की चाय भी हो गई है फ्रेंड्स, और एक साइड में मैंने दूध गर्म होने के लिए रखा हुआ है, और एक साइड में लग गई हूँ मैं शाम के खाने की तैयारी में। और आज खाने में मैं बना रही हूँ टिंडे की सब्जी, तो यहाँ सब्जी की मेरी पूरी तैयारी भी हो गई है। तो यहाँ पे देखें, मैंने सब्जी में लगा दिया है तड़का, तो सब्जी को मैंने ढक दिया है पकने के लिए, और सब्जी पकती है तब तक मैं एक साइड में आटा गूंथ के तैयार कर लेती हूँ, और मुझे 7 बजे तक सारा खाना बना के तैयार करना है क्योंकि आयुष के पापा की नाइट ड्यूटी है। तो यहाँ पे देखें, मैंने आटा गूंथ के रख दिया है साइड में, तब तक मैं बाहर से कपड़े भी उतार लेती हूँ क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब हो रखा है फ्रेंड्स, बादल हो रखे हैं, लग रहा है कि बारिश आने वाली है। बारिश आ जाए तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि हालत ख़राब हो रही है गर्मी के मारे। तो यहाँ मैंने देखे सारे कपड़े भी उतार लिए हैं और रूम में रख दिए थे, और फिर कपड़े रख के बाद में आ गई थी मैं किचन में, तो यहाँ पे आयुष के पापा के लिए मैंने रोटियाँ भी बना दी थी और टिफ़िन पैक कर दिया था मैंने, और चले गए हैं वो ड्यूटी, और मैं जो सब्जी बच गई थी ना वो सारी मैंने डोने में निकाल दी है, और बर्तन मैंने सिंक में डाल दिए थे, और मैं हमारे तीनों के लिए बाद में बनाऊँगी रोटी क्योंकि अभी हमें भूख नहीं थी, तो मन की चलो भूख लगेगी तब मैं बना लूँगी रोटी, तो मन की तब तक मैं यहाँ जो कल का मेरा रसन का सामान लाया हुआ है तो इसको भी मैं रख देती हूँ, कल से इसका नंबर ही नहीं आया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, मैं सारी पन्नियों से सामान निकाल के दिखा रही हूँ आप लोगों को कि मेरे महीने भर का कितना सारा सामान आता है, और इतना सारा सामान लाई हूँ ना कि मैं पूरे महीने में चल जाता है ये, क्योंकि महीने के बीच में हमें सामान के लिए बाज़ार नहीं जाना पड़ता है। और ये देखिए, मैं आप लोगों को बोतल दिखा रही थी, ये चाय पत्ती के साथ में मिली है मुझे ये बोतल, तो अब की बारी है ना गर्मियों में मुझे बोतल अलग से ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, क्योंकि चाय पत्ती के साथ में मुझे 5 बोतल मिली थी, यानी कि 5 पैकेट लाई थी मैं चाय पत्ती के, 3 पहले लाई थी, 2 अभी लेके आई हूँ, तो 5 बोतल मिल गई थी मुझे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारा सामान डाल दिया था, तो जो किचन में रखने वाला सामान था वो किचन में रख दिया है, और जो नमकीन बिस्किट वगैरह थे वो मैं रूम में रख देती हूँ, और फिर ये सारा सामान रखने के बाद में, और जो बाथरूम का सामान है ना, तो यहाँ मंदिर वाले रूम में ये जो दीवार में अलमारी बनी हुई है इसमें रखती हूँ मैं, और फिर सारा सामान रखने के बाद में आ गई थी मैं संध्या पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मेरी संध्या पूजा भी हो गई है, आप सभी आरती ले लीजिए फ्रेंड्स, भगवान आप सबकी हर मनोकामनाएं पूरी करें। और फिर मैं आ गई थी बाहर, तो देखिए बाहर का मौसम फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा तेज़ से बारिश आ गई थी ना, भयानक वाली, देख सकते हैं आप लोग, अंधेरा है, दिख नहीं रहा होगा। शाम के 7:45 बज गए हैं और मेरी संध्या पूजा भी हो गई है, और कल का जो राशन का सामान लाया हुआ रखा था वो भी मैंने सारा रख दिया है, और मैं आ गई हूँ किचन में, और अब बना लेती हूँ हमारे लिए भी खाना। तो इधर में आटा भी मैंने गूंथ के रखा हुआ है, सब्जी में मैंने बनाई है टिंडे की सब्जी, तो ये देखिए फ्रेंड्स टिंडे की सब्जी, ऐसे तो बच्चों को पसंद नहीं है बिल्कुल भी, और पर क्या करूं, सब्जी नहीं थी घर में तो मन की चलो टिंडे ही रखे हुए थे, तो मैंने बना लिया है, और आयुष के पापा का मैंने टिफिन पैक कर दिया है, वो ड्यूटी चले गए हैं, और अब मैं हम तीनों के लिए रोटियां बनाऊंगी, तो आटा गूंदा हुआ रखा है, बस रोटियां बनानी है। और आज दोपहर में भी खाना खाने के बाद में फ्रेंड्स मैं सो गई थी, उसके बाद में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, दिन में राशन का सामान रखने वाली थी, पर मुझे पता नहीं 3-4 दिन से इतनी नींद आ रही है ना, दिन में मैं खाना खाने के बाद सो जाती हूँ और फिर बच्चे आते हैं उसी टाइम पे मैं उठती हूँ फ्रेंड्स, तो बच्चे आने के बाद भी मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। और अभी देखिए बाहर का मौसम दिखाती हूँ आप लोगों को, लाइट जला दी है, और अभी देखिए बहुत ही अच्छी वाली बारिश हो रही है, 3-4 दिन से इतनी भयानक गर्मी हो रही थी ना, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी फ्रेंड्स, हालत ख़राब हो रही थी गर्मी के मारे, और अभी गर्मी को देखते हुए बारिश आ गई है फ्रेंड्स, आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, देखिए सुनिए आना, बहुत अच्छी बारिश हो रही है, अभी अंधेरा है तो दिख नहीं रहा होगा आपको, पर बहुत अच्छी बारिश हो रही है। चलिए आने दीजिए, कम से कम गर्मी से तो राहत मिलेगी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी फ्रेंड्स, हालत ख़राब हो रही थी गर्मी के आगे तो, और अब की बारी तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, गर्मी में काम करना भी इतना मुश्किल हो रहा है हमारा, किचन में सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, किचन के नाम से पहले ही बुखार चढ़ने लग जाता है कि किचन में कैसे चले, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और अभी मैं बना लेती हूँ हम तीनों के लिए भी खाना, और फिर सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगाएंगे और फिर हम खाएंगे, तो फटाफट खाना बना के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रोटियाँ भी बन गई है और बच्चों को मैंने खाना डाल दिया है, क्योंकि बच्चों के ट्यूशन का टाइम हो जाएगा इसलिए मैंने उनको सबसे पहले खाना डाल दिया है, बस ये लास्ट रोटी बची है इसको भी मैं सेक लेती हूँ और फिर मैं भी खा लूंगी, रोटी सीख गई है, और गैस कर देते हैं बंद, और इधर में दूध भी गर्म हो गया है, चलिए खाना डालते हैं।
तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप सब भी खाना खा लीजिए और मैं एक ही रोटी खाऊंगी। तो मैंने अपने लिए एक ही रोटी बनाई है और बच्चों ने ना टिंडे की सब्जी नहीं खाई है फ्रेंड्स। सुबह की भिंडी की सब्जी रखी हुई थी तो वही भिंडी के साथ में खा रहे हैं। इनके नखरे ही बहुत हो जाते हैं सब्जी को देख करके, क्या करूँ रोज क्या बनाऊँ फ्रेंड्स। और इधर में ये दोनों देखे, इधर में बैठ के खाना खा रहे हैं और टीवी इनका चालू है, टीवी देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं। तो चलिए मैं भी खा लेती हूँ खाना, टाइम हो गया है 8:15 बज चुके हैं और फिर बच्चों के ट्यूशन का टाइम भी हो जाएगा। फटाफट से खाना खा के किचन का काम निपेट लेती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, सामान रख दिया मैंने सारा और ये चाय पत्ती के साथ में एक बोतल फ्री आई है। अब की बार है ना, मैंने बोतल खरीदनी नहीं पड़ी है मुझे अलग से, चाय पत्ती के साथ में 5 बोतल मिली है इस सीजन में, सारी चाय पत्ती के साथ में आई है बोतलें। तो अभी एक ये है, इसको भी मैं धो के भरूंगी बाद में। तो चलिए आ जाइए फ्रेंड्स, आप सब भी खाना खा लीजिए और खाना खाने के साथ मिलती हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, मेरा भी खाना पीना हो गया है और बर्तन वगैरह भी साफ कर लिए हैं, किचन को भी क्लीन कर दिया है और टाइम हो गया है 9:15 बज गए हैं और अभी मेरा सारा काम फिनिश हो गया है फ्रेंड्स। और आज तो बड़ी जल्दी काम मेरा फिनिश हो गया है और अभी बच्चों के ट्यूशन में टाइम है, देखते हैं बारिश आ रही है क्या, बाहर का मौसम देखते हैं। और अभी तो बारिश आ रही है फ्रेंड्स, सुबह तक तो काफ़ी ठंडा मौसम हो जाएगा और अभी तक बारिश आ रही है, ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी आने लगी है। जब शुरू में बारिश आ रही थी ना, बहुत तेज़ से बारिश हो रही थी। तो चलिए दरवाज़ा बंद कर देते हैं, अंदर में एसी चल रहा है तो दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। और चलिए फ्रेंड्स, अब मेरा सारा काम फिनिश हो गया है और अब मैं करती हूँ आज के ब्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का सारे दिन का रूटीन आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली, गुड नाइट, थैंक यू सो मच वीडियो को फुल वॉच करने के लिए और इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए।